एक्सेलेंट एक्सेड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है कि हम उस एग्जाम के बारे में अच्छे से जान लें और समझ लें, और इसीलिए हम एक्सेल एक्सेड एजुकेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज, जिसमें हम सारे के सारे गत वर्षों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारी कोशिश होगी कि हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स को टच करें, जिससे कि आपकी तैयारी को और मजबूती मिले। इस सीरीज ऑफ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल में आए गए लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अ पर्सन बायस 12x फॉर रुपीज 15 एंड सेल्स देम एट 10 फॉर रुपीज 14, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। यानी कि यदि एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 के हिसाब से अंडे खरीदता है और 14 रुपए में 10 के हिसाब से अंडे बेचता है, तो बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जहां पर एक सर्टन क्वांटिटी परचेज करी गई है किसी एक सर्टन रेट पे, और कोई और क्वांटिटी के हिसाब से किसी और रेट के हिसाब से वो चीज बेची गई है। तो यहां पे जो नॉर्मली आप स्टूडेंट्स का जो मोडस ऑपरेंडी होता है, वो ये होता है कि एक आर्टिकल का हम सीपी निकाल लें और एक आर्टिकल का हम एसपी निकाल लें, यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल लें, और वहां से हम प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट को कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन कई बार बच्चों ऐसा संभव नहीं होता आसानी से करना। क्यों? क्योंकि जब क्वांटिटीज इस तरीके के होते हैं, तो डिवाइड करने पे वैल्यूज जो है वो डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में भी आती हैं। तो इसका जो आसान तरीका है वो ये है कि हम किसी तरीके से दोनों क्वांटिटीज को बराबर कर दें। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल के ही प्रॉफिट निकालोगे, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड और नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेस्ड बराबर होना चाहिए, तभी तो हमारा डील का कॉस्ट प्रॉफिट निकलेगा। तो यहां पर हमको क्या करना होगा, हमको केवल इस 12 और 10 का LCM लेना पड़ेगा। तो यानी कि मैं बाय करूंगा कितने, मैं बाय करूंगा 60x और मैं बेचूंगा भी 60x। तो अगर मैं 60x खरीदता हूं और 60 ही अंडे बेचता हूं, तो मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस, ये मुझे 5 बार खरीदने पड़ेंगे, 12 पंचे 60, 12 फाइव 60, तो 5 15 फाइव कितना हो गया 75। यानी कि मेरा 60x का जो टोटल कॉस्ट प्राइस आया, वो आया 75 रुपीज। सिमिलरली अगर मैं 60 अंडे बेचता हूं, तो 10-10 करके मुझे ये 6 बार बेचने होंगे, और एक बार बेचने पे मेरे को मिल रहे हैं 14 रुपीज। यानी कि 6 बार बेचने पे मेरी जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगी, वो आएगी 14 × 6, यानी कि 84 रुपीज। ये कैसे आया? ये आया 15 × 5, और ये कैसे आया? ये आया 14 × 6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना है, 9 रुपए, और मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 75 रुपीज इंटू 100, जिसके चलते मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 12%। तो सही आंसर हो गया 12% प्रॉफिट। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 515 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 475। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर मेकिंग 40% प्रॉफिट। यानी के अगर मैं किसी आर्टिकल को 515 रुपए में बेचता हूं, तो उस पर कमाया गया मुनाफा उतने ही रुपयों के बराबर है जितने रुपयों का नुकसान मुझे होता यदि मैं इस चीज को 475 रुपए पे बेचता। तो पहले मुझे क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, और फिर उस कॉस्ट प्राइस को दिमाग में रख के मुझे नया सेलिंग प्राइस निकालना होगा यदि मेरे को 40% का मुनाफा कमाना है। तो पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं बच्चों, फिर मैं आपको इसके लिए एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। तो आप ऐसा समझें कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस है एक्स, जो मुझे पता लगाना है, और एक सेलिंग प्राइस वो है SP1 जिसपे मुझे मुनाफा हो रहा है, तो मैंने इसको सीपी के ऊपर लिख दिया, और ये कितना रुपया है, ये 515 रुपए है। ठीक, और दूसरा सेलिंग प्राइस SP2 मैंने जानबूझ के इसको कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखा, क्योंकि यहां पर हमको क्या हो रहा है, लॉस, और ये कितने का बेचा मैंने, 475 रुपीज का। डन। अब आप ऐसे समझिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी और सीपी के बीच का गैप डिफरेंस, और यहां पर भी लॉस कितना होगा, एसपी और सीपी के बीच का लॉस गैप यानी कि डिफरेंस। अब चूंकि प्रॉफिट और लॉस वैल्यू टर्म्स में बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि प्रॉफिट लॉस के बराबर है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 515 में से
अगर मैं x घटा दूं तो वो उतने के ही बराबर होगा जितना के x में से 475 निकाला जाए। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, x को यहां ले जाऊं, तो मेरा 2x बराबर हो जाएगा 515 प्लस 475 के, यानी कि मेरा x हो जाएगा 515 प्लस 475 अपॉन 2 के। यानी कि कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन अगर आए कि जितना प्रॉफिट ऊपर बेचने पे हो रहा है उतना ही नुकसान मेरे को नीचे कीमत पे बेचने पे हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं है, केवल इन दोनों सेलिंग प्राइसेस का एवरेज यानी कि औसत है। अब अगर औसत की बात आ रही है तो 475 और 515 को जोड़ने पे कितना बनेगा, 990, और उसका 2 से विभाजन कर देंगे तो 900 का बटे 2 कितना हो गया, 450, और 45 495, यानी कि यहां पर कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 495। अब बात होती है अगले पार्ट के क्वेश्चन में, जहां मुझसे बोला जाता है कि 40% मुनाफा मुझे कमाना है, तो 40% मुनाफा कमाने के लिए मेरा जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस का 140% होगा, क्योंकि मुझे मुनाफा कमाना है 40% ऊपर, और 140% आप जानते हैं इसको मैं आसानी से 7/5 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 7/5 करस्पॉन्ड करता है 140% को। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इतना बेसिक आता होगा, तो अब मेरे को नया सेलिंग प्राइस निकालना है तो कुछ नहीं करना, मुझे 495 का मल्टीप्लाई 7/5 में करना है, तो ये हो गया 99, और जब 99 का मैं 7 टाइम्स करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 693। तो इतना सरल है। हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, तो आप अगर ठंडे दिमाग से सोचें तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट कमाना है कितने परसेंट का, 40% का। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 40% प्रॉफिट कमाने के लिए आप कहीं ना कहीं जाके कॉस्ट प्राइस को 7/5 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ही, और अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि जो भी आपका आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल तो होगा, ठीक है। तो इसमें से कितने ऑप्शंस आपको लग रहे हैं 7 से डिविजिबल है, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, केवल यही दो ऑप्शंस है। तो आपको सेंसिबली ये देखना है कि कितना आप आंसर लगा सकते हैं, तो इन दोनों में से ही एक आंसर जो है आपका ऑप्शन जो है आपका आंसर होगा। तो यहां पर आप आसानी से काफी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, जो कि कई बार हो जाती है बट हम देख नहीं पाते, तो 4 में से आपके 3 ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन के साथ रह जाएंगे। और अगर कभी ऐसा हो कि एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक आप इन दो क्वेश्चंस को रिवाइज करें, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।